कोई पूछेगा मैं उसको क्या मुंह पे चढ़े रहोगे पीछे जाओ थोड़ा यू टॉक अबाउट मी ओके उनसे क्या मतलब है यार व्हाट विल दे आस्क दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब देख रहा था बकवास मत किया करो इन दिस पॉइंट आई लाइक यू I'm a very bad speaker. What do you want to say? आप कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आप यही पूछेंगे जिसके आए उनसे क्या मतलब है यार व्हाट विल दे आस्क मतलब जिससे इनको कोई जरूरत थी उनको तुझसे मसाला चाहिए उनको थोड़ी चाहिए कि मैं क्या बेस्ट बोल रहा हूँ नो नो दे आर ऑल हियर फॉर इनका ओनली अब क्या मुंह पे चढ़े रहोगे पीछे जाओ थोड़ा और कम ऑन यू लाइट बहुत स्ट्रांग है गर्मी लग रही है बैक प्लीज आर यू रेडी यू विल आस्क अ क्वेश्चन आई विल आंसर हूएवर इज देयर हू इज देयर कंट्रोलिंग कौन फर्स्ट नहीं कौन पूछेगा एक जो पूछूंगा मैं फिर दैट्स ऑल क्या है आप लोगों की जो फोटोज है ना दिस फोटोज सब लोगों को आप लोगों ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी मैं तो बात ही नहीं करता आपने खुद कुल्हाड़ी मारी है ये कुर्ता सीधा क्वेश्चन पूछो तो अवॉइड कर मिलते नहीं आपको तो क्या होता है आई कम फॉर दिस इवेंट एंड आस्क मी समथिंग ओवर रणबीर इरा समझे ओवर रणबीर उससे क्या मतलब है कि मैं इतना नाराज होता हूं इन लोगों से सब सब एक्टर के साथ यही प्रॉब्लम है बने दो सर जी आपके लेफ्ट में भी सब देख रहा था बकवास मत किया करो एक के उधर लेफ्ट और राइट सॉरी सॉरी सर जी आपके लेफ्ट में भी सब देख रहा था बकवास मत किया करो एक के उधर लेफ्ट और राइट सॉरी 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 थैंक यू सर 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 गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया सर मोरिया सर आप कौन है शेयर कभी मत दिखा रहा तो फिल्म कैसी लगी सर आपको मैं आप ये मेरे साथ नहीं चलता लेकिन सर फिल्म कैसी लगी सर एक दो व्हाट डू आई से यू टेल मी व्हाट टू से सो कंटिन्यू यू टॉक अबाउट मी ओके आई हैव कम यू टॉक अबाउट ऋषि कपूर यू टॉक अबाउट मी Okay, I have come. You talk about Rishi Kapoor. Sir, when you made your debut in Bollywood, you were seen as a style icon. You were a trendsetter at that time. How did it feel then? Even you don't think I'm handsome now? So that is what I'm coming to that. No. My question is starting from then to now. You're a trendsetter even today. Be it on Twitter, be it now on red carpet. How does it feel, sir? Feels great. Feels great that I'm in front of a battery of cameras. I've got people asking me questions, and a younger one wants to know about more of my son, not about me. You should be asking questions about me. When I am on an occasion, you ask about me, not my son. So that's it. Thank you. Come. No shopping. No shopping. Okay. Behave yourself. Come. No shopping. No shopping. Okay. Behave yourself. अरे पीछे आना इतना हाँ जी पूछिए वो जब आएगी तब पूछ रहे हो ना आप क्यों पूछ रहे हो अभी वो वक्त नहीं है पूछने का हाँ जी क्या पूछ रहे थे आप जोर से बोलिए मैं कम सुनता हूँ दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू टॉक ऑफ समथिंग व्हाट इज हैपनिंग नाउ Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. आप लोगों से बहुत नाराज हूँ नहीं सब लोग। मैंने हर दफा ये कहा है और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जब भी किसी फंक्शन पे आए तो आप उस फंक्शन के बारे में पूछे करें, ना कि आप किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को, किसी आर्टिस्ट को आप एम्बेरस करें और कुछ और पूछें। मेरे साथ दो बार हो चुका है ये हादसा, मेरे साथ कल भी हुआ और उससे पहले भी हुआ। प्लीज़ मेरे रिक्वेस्ट है ये एक बिकॉज ये जितना हमें आपकी ज़रूरत है आपको हमारी भी ज़रूरत है, तो आप आर्टिस्ट के साथ वही ऐसे बिहेव करें जैसे करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आर्टिस्ट को भी एम्बेरस करें। ओके, थैंक यू लेडीज जेंटलमैन। I'd like to take this opportunity, you know, just to put, there has been a little bit of controversy I'm involved in right now, so I'd like to take on something what my friend Mr. Vijay Dada said today. The responsibility of the media, पत्रकार जैसे आप कह रहे थे, आपकी हर बात सलाम हो गए सर, लेकिन जब पत्रकार या कोई मीडिया का बंदा अपनी मर्यादा से, अपनी रेखा से बाहर हो जाए, उसका क्या कहिएगा? आपके पास तो ये माध्यम जो आप यूज कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ, हमारे पास तो नहीं है, हम अपनी क्लैरिफिकेशन करते हैं। आपने तो मेरा नाम, हमारा नाम तो बदनाम कर दिया, अब वो वक्त हमारा है कि आप टू प्रूव माई सेल्फ एंड विंडिकेट माई सेल्फ। My question is to Rishi sir. Sir, you have been hitting the headlines with your Twitter account, obviously, with your tweets. Sir, with all these trolls, these news headlines and all these tweets, how do you react to all this? How do you I do it? That all for myself. I don't do it for you. मैं अपने लिए करता हूँ, मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक देखने का नजरिया होता है और मैं वो लिखता हूँ, और मैं हर बार कोई गलत ही जवाब लिख देता हूँ, लेकिन वो होती दिल से, मैं बनाता नहीं हूँ, बस दैट इज इट। अब कोई भारतीय चेसी है, कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई। No, of course, we really enjoy your tweets. It's just that, how do you take all of this happening? I take it with a pinch of salt. ये चीजें you must not take it serious to heart. ये ठीक है, मजे की बातें हैं। You know, it's a platform to express your vision, your own thoughts. ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। You're not supposed to take it very seriously.